हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ भारत के जो भौगोलिक भाग हैं उसमें नॉर्दर्न जो प्लेन है, उत्तर का मैदानी भाग, उसके बारे में आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट डिस्कस करूंगा और उसकी विशेषताएं बताऊंगा। तो चलिए पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए। बात करते हैं भारत के उत्तरी मैदान की, तो इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर तक इसका विस्तार है। 2400 किलोमीटर ये लंबा क्षेत्र है। 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है। जब नदियां पर्वतीय क्षेत्रों से निकल करके और इस क्षेत्र में आती हैं तो यहाँ पर एक मैदान का निर्माण करती हैं और इसी क्षेत्र को हम कहते हैं उत्तरी मैदान, नॉर्दर्न प्लेन्स। तो बात करें अगर इसकी, तो ये एक समृद्ध मृदा का आवरण है। समृद्ध माने उपजाऊ, यानी सभी प्रकार के जो तत्व हैं मिट्टी में इसमें पाए जाते हैं। समृद्ध मृदा का आवरण है, पर्याप्त इसमें पानी की उपलब्धता है। चूंकि नदियां हैं, नदियों के कारण क्या है, इस क्षेत्र का जो वाटर लेवल है वो भी, ग्राउंड वाटर का लेवल वो भी सही है और पानी की भी ऊपरी सतह पर नदियां हैं, तो नदियों के कारण पानी की उपलब्धता है। यहाँ की जलवायु भी अनुकूल है और अत्यधिक उत्पादक क्षेत्रीय है। 3 मुख्य नदियां इसमें हैं, जिसमें सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियां। उनकी सहायक नदियों के द्वारा जो ये क्षेत्र है, ये इनका निर्माण, इसका निर्माण किया गया। इसमें एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मृदा से युक्त ये क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र में आता है। अब इसकी अगर बात करें इसका डिवाइडेशन, तो उत्तरी मैदान के जो मुख्य भाग हैं और कुछ आकृति भिन्नता के आधार पर इसके जो उत्तरी मैदान के वर्ग हैं, इन दोनों में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए पहला भाग आता है उत्तरी मैदान के मुख्य भागों को, जो मेन इसके पार्ट हैं। तो पहला पार्ट आता है पंजाब का मैदान, यानी उसे सिंधु का मैदान भी कहते हैं। सिंधु नदी, चूँकि यहाँ पर सिंधु नदी बेसिन है, सिंधु तथा उसकी सहायक नदियाँ हैं। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ जैसे झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास व सतलज नदियों द्वारा ये निर्मित क्षेत्र है। अधिकतर भाग इसका पाकिस्तान क्षेत्र में स्थित है। दोआबों की संख्या यहाँ पर सर्वाधिक होती है। दोआब मतलब, जो मैंने आपको अभी बताऊँगा इसमें दोआब क्या होता है, तो ये जो क्षेत्र है इसका क्षेत्र सिंधु नदी तथा उसकी जो सहायक नदियां हैं उसके द्वारा निर्मित ये क्षेत्र है। पंजाब मैदान के नाम से भी इसको जाना जाता है और इसका ज़्यादातर क्षेत्र पाकिस्तान में आता है। सर्वाधिक दोआबों की संख्या इसमें मिलती है। गंगा का मैदान, गंगा व तीस्ता नदियों के बीच में स्थित जो क्षेत्र है इसी को हम कहते हैं गंगा का मैदान। ये गंगा का मैदान हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में ये फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो कि ब्रह्मपुत्र व सहायक नदियों द्वारा निर्मित, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित क्षेत्र है। इसका विस्तार मुख्यतः असम राज्य में मिलता है, ज्यादातर विस्तार इसका असम राज्य में है। बात करते हैं आकृति भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान के कौन कौन से वर्ग हैं। उच्च आवच के आधार पर आकृति किस तरह की है उसके आधार पर इसके 4 भाग मिलते हैं, जिसमें पहला आता है भाबर का क्षेत्र। भाबर का क्षेत्र वो होता है जब नदी पहाड़ी क्षेत्र से आती है और इस भाबर के मैदान में, जो भाबर का क्षेत्र, यहाँ पर नदी पहाड़ से होकर के यानी कि शिवालिक ढाल के समांतर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में नदियों के द्वारा लाए गए जो चट्टानों के अवक्षेप हैं, निक्षेप हैं, यहाँ पर जमा कर देते हैं। बड़े बड़े पत्थर टूट करके छोटे छोटे पत्थरों में यहाँ इकट्ठा, पेबल्स के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ नदियाँ क्या होती हैं, नदियों का पानी, जो सरिता है, छोटी छोटी नदियाँ हैं, बड़ी नदियाँ यहाँ पर विलुप्त हो जाती हैं। उसी क्षेत्र को हम कहते हैं भाबर का क्षेत्र। तराई का क्षेत्र क्या होता है, जब भाबर क्षेत्र के दक्षिण में निकलते हैं, आगे चलते हैं, तो वहाँ पर नदियाँ पुनः यहाँ पर निकल आती हैं। नम तथा दलदली क्षेत्र होता है, वन्य प्राणियों से युक्त जंगली जानवर पाए जाते हैं, यहाँ पर जंगली क्षेत्र होता है। यहाँ पर क्या था, पाकिस्तानी जो शरणार्थी, जब भारत का डिवाइडेशन हुआ तो उस समय पाकिस्तानी शरणार्थी जो भारत में आए तो उनको बसाने हेतु इन जंगलों को साफ किया गया। दूधवा नेशनल पार्क यहीं पर स्थित है। अब बात आती है बांगर या भांगर। बांगर क्षेत्र वो होता है
जो नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित होता है, यानी यहाँ पर ज़्यादा बाढ़ नहीं आती है, ये पुराना क्षेत्र होता है। नदी कभी यहाँ बाढ़ आई थी तो अब इस समय क्या नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित होता है। वेदिका जैसी इसकी आकृति होती है। इसमें चूने दार निक्षेप पाए जाते हैं जिन्हें कंकड़ कहते हैं। चूने जैसी बड़ी बड़ी वो पाई जाती हैं, चूने जैसे निक्षेप पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, कंकड़ कहते हैं। बड़ी बड़ी ग्रंथियां टाइप की पाई जाती हैं कंकड़ की, जिन्हें जिन्हें कंकड़ कहा जाता है। खादर क्या होता है, ये बाढ़ वाले मैदान के नए तथा युवा निक्षेप द्वारा निर्मित होते हैं। प्रतिवर्ष इनका निर्माण होता रहता है। नदी के किनारे के क्षेत्र हैं जहाँ पर बाढ़ आती रहती है, प्रतिवर्ष नई मृदा वहाँ पर जमा हो जाती है, जिसके कारण ये अत्यंत उपजाऊ होती है तथा गहन खेती के लिए ये आदर्श होती है। यहाँ पर दो फैक्ट आए हैं जहाँ पे पहला आता है दो आर, दो आर मतलब दो प्लस आर, दो मतलब टू, दो आर मतलब आप मीन्स पानी। दो नदियों के क्षेत्र के बीच को हम दो आर कहते हैं। जैसे एक नदी इधर से जा रही और एक इधर, तो दोनों के क्षेत्र में स्थित जो क्षेत्र होता है उसे दो आर कहते हैं। पंजाब, पंजाब क्या होता है, पंच धनाब, यानी पांच नदी, पांच जल, यानी पांच नदियों के बीच का जो नदियों का क्षेत्र होता है उसे पंजाब कहते हैं। एक और फैक्ट आता है, ब्रह्मपुत्र नदी पर जो स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो माजुली द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पर स्थित है, ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। वैसे अगर द्वीपों की आइलैंड की बात करें तो सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो ग्रीनलैंड है, लेकिन ये नदी द्वीप है। यहाँ पर ये आपको ध्यान देना है, ये है नदी द्वीप। नदी द्वीपों में सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो माजुली नदी द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। इसलिए लोगों का निवास भी, यहाँ लोग भी निवास करते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।